अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम बात करेंगे इमी सबमिशन बैकलिंक्स के बारे में। रात मैंने इमी सबमिशन बैकलिंक्स की क्लास थी और सुबह एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को $30 का ऑर्डर आ गया। कितने का? $30 पाकिस्तानी 9 से 10 हजार रुपए का ऑर्डर। रात मैंने क्लास थी और सुबह उसे ऑर्डर आ गया। इमी सबमिशन बैकलिंक्स भी बहुत अच्छे बैकलिंक्स है, इसे आप मिक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और सेपरेट गिग बनाकर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह Web.2 की क्लास, प्रोफाइल बैकलिंक्स की क्लास कर चुके। ये मेरी थर्ड क्लास है इमेज सबमिशन बैकलिंक्स की और इसके बाद ब्लॉग कमेंट्स और पीडीएफ सबमिशन। सिर्फ मैंने 5 टाइप के आपको बैकलिंक्स करवाना सिखाने हैं। अगर आप ये सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 40 से 50 हजार लाख रुपए तक महाना इजीली मंथली बैठ के कमा सकते हैं। तो आज फिर मैंने बात कर इमेज सबमिशन बैकलिंक्स की। जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है कि इमेज सबमिशन बैकलिंक्स में आपने जस्ट इमेज, आप वो क्लाइंट की साइट से भी इमेज ले सकते हैं और आप खुद कैनवा से भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली बैकलिंक्स बना के दिखाऊंगा कि आपने सिर्फ इमेज सबमिशन बैकलिंक्स वाली साइट्स को ओपन करना, उधर जाके आपने क्लाइंट की साइट की इमेज को पुट कर देना है। आपने क्लाइंट की साइट की इमेज का नाम वही रखना है जो क्लाइंट की साइट का नाम होगा। मतलब कि इमेज आप कैनवा से भी बना सकते हैं और क्लाइंट की साइट से भी इमेज को ले सकते हैं। अगर क्लाइंट की साइट पर इमेज नहीं है, उस इमेज का नाम आपने क्लाइंट की साइट का नाम रखना है और इमेज सबमिशन वाली बैकलिंक्स की जितनी भी साइट्स हैं उधर जाके सिंपली आपने पेस्ट कर देनी है उस इमेज को, वो इमेज सबमिशन बैकलिंक्स बन जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल मैं आपको बैकलिंक्स बना के दिखाता हूं कि कैसे आपने क्लाइंट की इमेज को सबमिट करना है। आपने गूगल पे जाके लिखना इमेज सबमिशन बैकलिंक लिस्ट, आपने सर्च करना है, उसके बाद आपने ये सेकंड वाली साइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, एक दो मैं बैकलिंक्स आपको बना के सिखा देता हूँ कि आपने कैसे बनाने हैं। लिंक्डइन का भी आपको पता होगा, जैसे फेसबुक का भी, डिफरेंट साइट्स का आपको पता होगा। चले मैं ये साइट्स ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह बैकलिंक बनाना। आपने साइट्स को ओपन किया, साइट्स को ओपन करने के बाद ये साइट्स ओपन हो गई है, आपने जाके इसे साइन अप कर लेना। ठीक, आपकी जीमेल अकाउंट से साइन अप हो जाएगा। देखता हूँ ये साइन अप मैंने किया हुआ है या लॉगिन करना पड़ेगा। आपने अपने जीमेल अकाउंट को जस्ट इसे साइन अप कर लेना और कुछ भी नहीं करना। आप सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई आपको? लिंक्डइन को लिंक के लिए कैसे यूज करना है, लिंक्डइन पे जाना है। जैसे मैंने अपनी वहां पे लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाई थी, प्रोफाइल बना के आपने पोस्ट करनी है, पोस्ट का लिंक सेव कर लेना आपने। जी साइन अप का मतलब आपने अकाउंट क्रिएट करना। समझ आ गई है इस बात की आपको, आप सबको? आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएट करने के बाद इधर अपलोड पे मैं देखता हूँ। चले मेरे पास ना ये एक इमेज ऑलरेडी पड़ी है, मैं इसे अपलोड, मैंने इस इमेज को कर दे। इस इमेज को मैंने कैनवा से बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट की साइट का नाम था apkgame.com या कुछ भी। मैंने इस इमेज का नाम apkgame.com रख लिया, मैंने इस इमेज का नाम apkgame.com रख लिया और इसे मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है सारों को या नहीं आई? काइंडली मुझे ये क्लियर करते हैं। मैंने इमेज को अपलोड किया, इमेज का नाम, इमेज का नेम मैंने वो रखा जो क्लाइंट की साइट का नाम था। ठीक है, इस इमेज को मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद मैंने शेयर पे क्लिक किया, शेयर लिंक पे, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसे दूसरे टैब में चेक किया, आपके सामने एक इमेज आ गई है। ये साइट का नाम क्लाइंट का शो हो रहा है आपको। ये साइट का नाम तो लिखना ही लिखना है, इमेज का जो नेम है वो आपने साइट का नेम रखना है और उसके अलावा आपने जो पिक्चर, इधर भी आप ये लिख सकते हो कि apkgame.com।